मुझे जिस मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका मिला है उसका अनवान है 5 अक्टूबर यानी उस्ताद का आलमी दिन। जो इलम का अलम है उस्ताद की अता है, जो इलम का अलम है उस्ताद की अता है, हाथों में जो कलम है उस्ताद की अता है, जो फिक्र ताजा दम है उस्ताद की अता है, जो कुछ किया रकम है उस्ताद की अता है। हाजरीन महफिल, मेरा आज का अनवान बहुत खास है। आज मेरी तकरीर का मौजू उस्ताद का आलमी दिन है। 5 अक्टूबर को मनाया जाने वाला ये दिन हमें उस्ताद की अहमियत के बारे में बताता है। जब बेशुमार तुलबा अपने उस्ताद को कार्ड और तहाइफ पेश करते हैं, कहते हैं कि उस्ताद रूहानी बाप होता है और ये पेशा अपनाना दरसा सुनते नबी के मुतरादिफ है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझे मोल्ला बनाकर इस दुनिया में भेजा गया। जनाबे वाला, उस्ताद के लिए एक दिन मुख्तस नहीं करना चाहिए बल्कि सारा साल और पूरी जिंदगी उनकी इज्जत और खिदमत करनी चाहिए। उस्ताद की नसीहतें अक्सर हमें गैर अहम लगती हैं, लेकिन वक्त के साथ उन नसीहतों का अंदाजा भी इंसान को हो जाता है। जनाबे वाला, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों को खुद से आगे निकलता देखने की ख्वाहिश रखते हैं। इनमें से फहरिस्त तो हमारे वालदैन होते हैं और दूसरे हमारे उस्ताद, जो चाहते हैं कि उनके तुलबा उनसे भी ज्यादा कामयाब हो। वो उनकी कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं। हजरत अली ने फरमाया, जिसने मुझे एक लफ्ज भी सिखाया मैं उसका गुलाम हूँ। इससे हमें उस्ताद की अहमियत के बारे में अंदाजा होता है। मेरा शुमार भी पत्थरों में होता था, मेरा शुमार भी पत्थरों में होता था, मेरे उस्ताद ने तराश कर मुझे हीरा बना दिया। जनाबे वाला, अक्सर देखा जाता है कि उस्ताद की जरा सी डांट पर बच्चे के वालदैन घबराकर अदारे में पहुंच जाते हैं। हालांकि ये गलत है। हमारे वालदैन हमें इस दुनिया में लाते हैं और हमारे उस्ताद हमें जीना सिखाते हैं। अगर हमारी जिस्मानी परवरिश हमारे वालदैन करते हैं तो हमारी रूहानी परवरिश का जिम्मा उस्ताद अपने सर पे ले लेते हैं। जनाबे वाला, अक्सर देखा अजीज सामीन, एक मशहूर वाकया है कि अंग्रेज कौम ने इलामा इकबाल को सर का खिताब देना चाहा तो इन्होंने इनकार कर दिया और खिताब कबूल करने की शर्त जाहिर की कि हमारे उस्ताद को भी खिताब से नवाजा जाए। इससे हमें उस्ताद की अहमियत के बारे में अंदाजा होता है। जनवरी में डॉक्टर इंजीनियर और वकीलों ने एहतजाज करके मुतालबा किया कि हमारी तनख्वाहें उस्ताद की तनख्वाहों से कम क्यों है, तो एक खूबसूरत जवाब आया कि तुम्हें उनकी जितनी तनख्वाहें क्यों दी जाए जिनसे पढ़कर तुम इस मुकाम पे पहुंचे हो। जनाबे सदर, कहा जाता है कि बहुत से ममालिक में उस्ताद कहीं पढ़ाने जा रहा हो तो सब इसके लिए रास्ता निकालते हैं कि पहले आप गुजर जाएं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वतन अजीज में उस्ताद के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। हमें चाहिए कि पूरी जिंदगी उनका अदब और एहतराम करें और इन्हें वो खास मुकाम दें जिनके वो हकदार है। मैं ये आखिरी शेर कह के अपनी तकरीर का इख्तिताम करना चाहती हूँ। उस्ताद है ये कीमती इंसान दोस्तों, उस्ताद है ये कीमती इंसान दोस्तों, कौमों के वास्ते है निगहबान दोस्तों, उस्ताद ही से इलम की दौलत मिलती हमें, अल्लाह का हम पे ये एहसान दोस्तों।